वो ये है, अगर आप फ्रूट के शॉप को अगर आपने देखा हो तो ऐसे कुछ पैकिंग करके देते हैं, देखिए पीछे भी रखा हुआ है। इधर करो सट जाएगा, इधर है, इधर थोड़ा, इधर है थोड़ा, इधर रखो, इधर रखोगे उतना फायदा, चेंबर से ऊपर है। आओ इधर जाओ, अब इधर जाओ, अब इधर देख लो, हमारे छोटू भाई ने निकाल दिया है। बिलाल भाई के हाथ में जो है वह देखिए कैसा गाड़ी होना था, और ये खान साहब है। तो बहुत दिन हो गए मैंने अभी तक अपने गांव का व्लॉग नहीं बनाया, तो ये गाड़ी आज ले जानी है। इसको मैंने सुबह धो दिया था, और किसी को मेरा घर देखना है तो ये देखो, ये मेरा घर है, वो ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला। और ये अयान मेरा बेटा, अयान या हाय कर दो। और ये गाड़ी में जाने के लिए बेताब है, तो अभी चलते हैं गाड़ी से। और कहाँ जा रहा हूँ वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। चलो अंदर जाओ, अंदर जा, सीट पे नहीं लगाएगा, सीट पे पैर नहीं रखेगा। तो हयान से पकड़ा नहीं जा रहा है, और ये रहा मेरा गांव। तो फिलहाल हम आ चुके हैं, ये अभी बताते कि हम आए कि तो ये देखिए कितनी सारी गाड़ी खड़ी है, चार, अरे मेरा हाथ आ रहा है, चार, वो इधर पांच, और ये इधर छः, और दो गाड़ी ड्राइवर लोग और लेके जा चुके हैं। ट्रैक्टर आ रहा है, इसका आवाज़ आता है। तो ये पार्किंग है गाड़ी की पूरी, और अभी दो गाड़ी एक मेरे पास है, और एक गाड़ी सामने से आ रही है, मतलब वो छोटू लेके आ रहा है। मैं अगर छोटू का जिक्र कर रहा हूँ तो आपको छोटू को ज़रूर दिखाऊँगा, छोटू है कौन। और ये सारी गाड़ियाँ कैश भाई है, उनकी है, उनको मैंने नहीं दिखाया, वो अभी थोड़ा तैयार नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो तैयार हो जाए, जब वहाँ पहुँचेंगे तो दिखाऊँगा। और बात नंबर दो, कि अगर आपको गाड़ी बुकिंग करनी है, अगर रुक जाए मैं थोड़ा भीड़ भाड़ है, उसको निकाल दूँ उसके बाद। बात नंबर दो ये थी कि किसी को दरभंगा के अंदर, सबके लिए नहीं है, दरभंगा के अंदर या सीतामढ़ी मधुबनी जो आसपास के जिले, हाँ तो ऑल ओवर दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी बेगूसराय जो समस्तीपुर जो आसपास के जिले हैं, वो उनके लिए ये ऑफर है। अरे बाबा हटो, ठीक है लगे साथ जाएंगे, बाबा बोल रहे हैं कि ले चलो, तुम ले चलते हैं, चलिए आइए। हाँ तो ऑल ओवर दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी बेगूसराय जो समस्तीपुर जो आसपास के जिले हैं, वो उनके लिए ये ऑफर है। अरे बाबा हटो, ठीक है लगे साथ जाएं, बाबा बोल रहे हैं कि ले चलो, तुम ले चलते हैं, चलिए आइए। हाँ तो बात ख़त्म यहाँ होती है कि आप लोगों को इस आसपास के जो जिले मैंने बताए, उन जिलों में अगर आपको कहीं भी गाड़ी की ज़रूरत है तो मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, मुझे नहीं करें, मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पे, तो फिलहाल जब तक हूँ, जब तक मैं चला रहा हूँ। तो मुझे जहाँ अभी फ़िलहाल आना था, एक शख्स से मिलना था, मैंने कॉल कर दिया, वो आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कुछ काम है छोटा सा, ये करके हमें जाना है दरभंगा टावर के पास। दरभंगा टावर पे मिठाइयाँ लेनी है, ये गाड़ी को पूरा मिठाई से भरना है, और इसमें नहीं आएगा अगर पूरी मिठाई इसके अंदर नहीं आ पाए, गेट खुला छोड़ दिया, ठीक है, अगर पूरा मिठाई इसके अंदर नहीं आया तो हम स्कॉर्पियो में रखेंगे, हमारे साथ एक स्कॉर्पियो भी है शायद, वहाँ जाके पता चलेगा। तो वो आते हैं तो अंदर मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, अपने उसके अंदर मिठाई है, इसको भी पैक करवाना, और बाकी वहाँ शॉप पे है वो पैक होकर रखा हुआ है, तो वो भी लेना है। उसके बाद हम दरभंगा टावर से मिठाई लेने के बाद हम आगे चलेंगे और बताएँगे आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग दरभंगा टावर पर आए थे, वो सामने दरभंगा टावर है, और यहाँ अगर आप आते हैं तो ये शॉप का नाम है, और नीचे ये फल फ्रूट का पूरा शॉप है ये पूरा, और हम लोगों का पार्सल यहीं से हो रहा है, अंदर पार्सल अभी हो ही रहा है। ये भैया हैं, क्या नाम है, रवि कुमार हैं, और ये देखिए हमारा अंदर देखिए पूरा पैक होकर रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी मैं हूँ दुमदुमा बोलते हैं दरभंगा में, लहरिया सराय से थोड़ा सा आगे है, 2-3 किलोमीटर, तो ये गाड़ी भी जाने वाली है हमारे साथ।
मैं सुबह निकला था 9 बजे घर से कि जल्दी हो जाएगा, और जल्दी नहीं हुआ। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और वो आगे स्कॉर्पियो, और कुछ दो लोगों का वेट हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, हमारे मैं जो लेने गया था सुबह से वो ये है। अगर आप फ्रूट के शॉप को अगर आपने देखा हो तो ऐसे कुछ पैकिंग करके देते हैं, देखिए पीछे भी रखा हुआ है। और सारे फल फ्रूट ले चुके हम, और बस अब चलते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए वो तो जिस कैश चा की बात हो रही थी, ये है देखिए कैश चा, गाड़ी ऑनर था, और ये खान साहब है। एक गाड़ी ये रही, एक वो पीछे खड़ी है, और बाकी 3 स्कॉर्पियो आगे है, एक ये मेरे पास बोलेरो। अभी तक बुरे कंडीशन में फ़िलहाल अभी मैं ही हूँ। एक हमारे साथ ये है हमारे दोस्त, हम लोग का अपना कम्युनिटी है ड्राइवरों का, गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का। क्या ये भाई, ये देखिए 3 को गाड़ी आगे लगा हुआ है, 3 को पीछे है, और गाड़ी सब आ रहा है, उन लोग का इंतज़ार करते हैं। हम लोग एकमी घाट में है, एकमी घाट का पुल है, उसके बाद चलते हैं। हाँ, और अपने अगर पिछला सुना होगा छोटू, तो ये है वो छोटू भाई। इसलिए शुरुआत में शुरू में छोटू आवाज़ हो रहा था, यही है छोटू। ठीक है, तो बने रहिए। अच्छा, दिखाते हैं क्या कैसा फंक्शन होता है, हम लोग जा रहे हैं। तो दरभंगा एयरपोर्ट का एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे पार्किंग बन गया है, और साइड में, और ये पीछे दरभंगा एयरपोर्ट, और ये पूरा कवर अप हो चुका है। हाँ, तो फिलहाल जिस गांव में हम लोगों को आना था उस गांव में एंटर कर रहे हैं अभी। पतली गलियां हैं, तो कुछ इस तरीके से कैसे दिखती है। काफ़ी लोग हैरान है कि इतनी सारी गाड़ी एक साथ जा क्यों रही है, कोई तो शादी है नहीं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए इतने लोग आ रहे हैं और इतनी गाड़ी आ रही है। लोग कम है, गाड़ी ज़्यादा है, एक गाड़ी में सिर्फ 2 लोग हैं बस। देखते हैं, कह रहा कि जाम लग गया, और पीछे भी देखिए गाड़ी है, आगे भी है, इसके आगे भी गाड़ी है। देखते तो सामने जो वो डिस्कशन हो रहा है उससे एनालाइज कर सकते हैं कि हम शायद रॉन्ग आ गए। अब इतनी सारी गाड़ियों को वापस पीछे ले जाना पड़ेगा। देखिए गाड़ी यू टर्न हो रहा है, मैं बोला ना कि गाड़ी यू टर्न जाएगा, यू टर्न ही है। अब चलिए यू टर्न लेते हैं यहाँ से, क्या करिएगा। देखिए आगे की साइड, अरे यार क्या करा बाइक वाले ने, बिलाल भाई का नुकसान कर दिया। ये बिलाल भाई का स्विफ्ट डिजायर था, उसका साइड मिरर का वो प्लास्टिक निकाल दिया। देखिए वो वहाँ सामने उसको चिपकाया जा रहा है, बाइक वाला ज़बरदस्ती घुस गया था। रोड इतना चौड़ा नहीं है ना, देख सकते कितना जगह है वहाँ पे। और उसके बाद ये लोग देखिए वो सामने, वहाँ से टर्निंग लेना। देखिए ये आपने मोटो व्लॉगिंग देखा होगा, लेकिन मैं मोटो नहीं, मैं कार व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये यहाँ से हमको टर्निंग लेना है। नहीं, पर गाड़ी बाग की हो। नहीं, उधर लगाए थे, देख रहे कितना पतला गली है। देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह गाड़ी थोड़ा इजी है मेरे हिसाब से चलाना, क्योंकि वहाँ नियम होते हैं, रोड होते हैं, और सब कुछ सही होता है। लेकिन गांव में कोई ना नियम होता है, ना रोड होता है, कोई कायदा कानून नहीं है, बस जिसको जहाँ जगह मिल रहा चले जाओ। एक तो गांव के रोड भी माशाल्लाह होते, देखो ये गांव का रोड देखो, कहीं पे सही है, कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं पे कुछ है। देखो एक तो इतनी पतली सी जगह है, ऊपर से साइड में पोखर है, मतलब उसमें तालाब हुआ करता था, अभी सूख गया है। हम चल रहे हैं, आप लोग कार ब्लॉगिंग का मजा लें, मोटो ब्लॉगिंग का तो अक्सर लेते ही हैं। आगे बिलाल भाई का स्कॉर्पियो है, और पीछे बिलाल भाई का ही स्विफ्ट डिजायर है। और ये देखिए नेट लगा हुआ है फुटबॉल के लिए, तो गांव के बच्चे यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं। तो चलिए अब हम लोग रोड छोड़ के कच्ची सड़क पे आ गए। देखिए कितना रोड खराब है, देखिए ये कच्ची सड़क है। देखिए
देखिए हम जंगल के रास्ते अब जा रहे हैं, मतलब जंगल के साइड्स, हम लोग गाछी बोलते हैं, आप लोग जंगल कह रहे हो उसे। देखिए बहुत देख के चलना पड़ रहा, देख रहे देखिए कैसा खराब रोड है। चले बच्चों, ये देखिए ये कितना खराब रोड है, देखिए देख रहे हैं। हम लोगों का तो चलो बड़ी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा टायर होता है, लेकिन ये छोटी गाड़ियों कार वगैरह के लिए रोड सही नहीं है, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। बोले ना कार के लिए नहीं है रोड ठीक, ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ है, इसलिए उसको चेंबर में सट गया। और ये अब पक्की सड़क मिल चुकी है, शुक्र है, ये अभी फिलहाल नया बना लगता है। फिर देखिए ये फुल टन है, थोड़ा सा रोड बनाया था सरकार ने, सरकार अगर जनगणना छोड़ के रोड बनाना शुरू कर दे तो 5 साल इसमें ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार को जनगणना करना है, रोड से मतलब नहीं। बाप रे इतना रोड खराब है कि स्कॉर्पियो भी बड़ा दिक्कत से जा रहा है, देख रहे हैं देखिए वो आगे स्कॉर्पियो भी देखिए कितनी धीरे धीरे जा रहा है, इतना रोड खराब है। अब देखते हैं अपना नंबर आएगा तो दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। चलो अच्छा आगे कार है ना, सबसे आगे कैश चाका कार है, स्विफ्ट है, तो कार की वजह से धीरे जाना पड़ रहा है, कार इस रोड पे ठीक नहीं है, देख रहे हैं ये देखिए कैसा उबड़ खाबड़ है। बिलाल भाई की गाड़ी देख रहे हैं, अरे अरे देखिए खड्डा आ गया, पहले खरंजा था। आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि मैं ध्यान दूंगा तो पता चला एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे खरंजा है, मतलब ईंट बिछाया हुआ है, पक्का रोड नहीं है। देखिए कैसा गड्ढा यहाँ पे, आपका आप लोग देखिए कैसे कैसे गड्ढे आते, देखिए कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है, टायर पूरा टायर अंदर चला जाता है। रोड का बहुत बुरा हाल है, एवरी यहीं से लड़िए, यहीं से लड़िए एवरी। देखिए ये बलवा के मुखिया जी हैं, अभी वर्तमान में नहीं है लेकिन इससे पहले थे, 2 बार से थे ना, ये 2 बार से थे लाल बाबू जी। यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे पूरा, देख रहे हैं इस कौन से गांव में आ गए हैं, बग्घा गांव, अरे इधर तेरी भला। देखिए क्या बुरा हाल है, ये कैसे का गाड़ी का पूरा धूल धूल हो गया, तो कैसा हाँ तो मट्टी है। देखिए ये है रोड गांव का, और ये देखो सब ड्राइवर सब देख रहा है कि कैसे जाएगा, रीजन है कि 2 कार है, 2 कार को निकालना है, बड़ी गाड़ी तो निकल सकती है। देखिए मट्टी मट्टी, यह बिलाल भाई परेशान है, देखिए बहुत परेशान है, यहाँ का मुखिया जो है ना सर मरा हुआ है लग रहा है, मरा हुआ है ये मट्टी हुआ। हाँ कार के लिए लगाना व्यवस्था है, नीतीश कुमार से शिकायत है कि सब तो दे रहा है मनरेगा फलना चिलना, देखिए गाँव का है ना दुर्दशा, ननौरा से सटा हुआ गाँव है, कौन सा गाँव है, कौन सा गांव है, लथौड़ा इधर थोड़ी, भथौड़ा उधर रहा है, बग्घा है यार। हाँ हम भथौड़ा उसमें घुसे हुए थे तब ना रिटर्न आए वहां से। देखिए यहाँ मट्टी डाल के इंतजाम हो रहा है गाड़ी निकालने के लिए, कार निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। फिर यहाँ का मुखिया पता नहीं कौन बेचारा का, देखो तो शर्म नहीं आता है सब गांव में आते हुए मुखिया लोग को, ये बुरा हाल है। देखिए कैसे जोगाड़ लग रहा है, देखिए आराम से सीधा इतने इधर इधर थोड़ा इधर इधर सट जाएगा, इधर करो ना इधर करो सट जाएगा, इधर इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर रखो, हाँ इधर रखोगे उतना फायदा, चेंबर से ऊपर है, आओ इधर जाओ, अब इधर जाओ, अब इधर देख लो, हमारे छोटू भाई ने निकाल दिया है, लाओ लाओ वह को निकालो, अपने चढ़ा 80 तेरा निकलेगा पहले, वो तो हंस के निकलेगा,
अरे ये पर चौड़े पर निकलना है। अरे दो आदमी यहाँ पे रुको, डायरेक्शन लेकर के निकालो आराम से। हमरा भी गाड़ी है पीछे, लो हाँ। कैसे दिक्कत हो रहा है, ट्वीट कीजिए ना, मतलब सीधे भी नीतीश कुमार को ट्वीट करेंगे। इसके ऊपर चढ़ के जाना, देखिए इसके ऊपर चढ़ा। हाँ दाहिना लो, ये पर चढ़ा था, वही पर बढ़िया चढ़ता, चढ़ गया तो चढ़ा दो। हाँ उधरे 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 दाहिना हल्का, बस थोड़ा उधरे करके जा दो। एक गाड़ी ये आया, अब तो निकल तो जाना ही, इसी पर तो चढ़ाइए ठीक रहेगा। देखिए कितना दिक्कत है, चढ़ाइए। हाँ बस सीधा आने दीजिए, सीधा आने दीजिए। दाहिना दाहिना हल्का दाहिना हल्का दाहिना, बस जाइए उतने पर जाइए। आओ तो हमारे गाड़ी का चाबी तू ही लिए हुआ है, पिछला देखिए ना। हाँ बस ठीक है, आइए सीधे आना एकदम, आइए बस ज़्यादा उधर नहीं जाना, इतने पर इधर थोड़ा इधर इधर थोड़ा इधर इधर बस बस उतार दिए धीरे से। चलिए अब हम अपना गाड़ी खुद ही लेके आते हैं। अभी वो बुरा हाल है देख रहे हैं, बहुत दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली है। चलो हम लोग का तो चलो बड़ा टायर था, थोड़ा इजी रहा, लेकिन वहाँ देखिए वो कार के लिए एक तो स्विफ्ट डिजायर एक स्विफ्ट है, दोनों की हालत खराब हो जाती है इन सड़कों पे। कहाँ रोड बन रहा है देख रहे हैं, कई साल से तो साला बर्बाद है रोड, यहाँ का पॉलिटिशियन सब खाली खा रहा है। देखिए तो कितना बुरा हाल है, इतना लेट से चला है, 10 बजे चलना चाहिए, इतना दूरी है तो 10 बजे चलो, 1 बजे पहुँच जाओ। पता नहीं था ना इतना ये होगा, तो को लगा हम रोडे रोड है, हाईवे होके निकल जाएंगे। आया गया है तो आया होगा। नहीं आया रहता तो नहीं भुतलाता वहाँ पर, पता नहीं। देख रहे कैसा रोड है रे, कार को बहुत दिक्कत हो रही जाने में। ये गांव है इधर, शमियाना लगा हुआ है। अच्छा पहले देखते हैं किधर टर्निंग लेना है, देख लेते हैं उसके बाद। मतलब इतनी अच्छी आबादी के अंदर इतना खराब रोड नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इधर, ठीक ठाक रोड है तो देखो सब सड़ा सड़ भागा गायब हो गया। बिलाल भाई के हाथ में जो है वह, हाँ ये देखिए ये बिलाल भाई है, ये कैश से आए हुए जिली जिली के, तो हो गया ये भी जाएगा। ये भी है साथ में, ये भी साथ में है। देखिए ये पूरा दूर में से निकाले, इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें है तीन गो, इसमें भी है। देखिए ये रहा इसमें, देखिए अपनी सारी गाड़ी आ चुकी है, उधर लगी पड़ी है गाड़ी, और एक गाड़ी अभी ये रिवर्स जा रही है। जा 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 जाओ ना बहुत पीछे भैया, ये भी गाड़ी जा रही रिवर्स होके लगने। ये है इंतजाम,
खाली खाना जेब में नहीं भरना, एक को नहीं रखना। सब खा खा के रेडी, मैंने आराम से बैठा हुआ है, बस रह गए तो हम अब ये चालू। अरे जिनका जिनका हो गया उड़िया गया। देख रहे खा पी के सब निकल गया, साफ हो गया। खा फिलहाल हम भी लिए पानी ले आए चुरा के बाद। और ये सारा लोग है देखिए, ये अब खा के थोड़ा टहलेंगे। मुखिया जी ये रहे, अब खा के थोड़ा टहला जाएगा ताकि पच जाए, दूसरा खाने की तैयारी। ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो पसंद तो लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने मेरा गांव देख लिया तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक से। तब तक के लिए अलविदा।